अजय त्यागी, एडिटर विकसित भारत समाचार से फैशन इंडिया टीवी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। खासकर मेरे मित्र शुक्ला जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, इन्होंने ये चैनल स्टार्ट करके बहुत बड़ा कदम उठाया है और इनका ये चैनल दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करे, इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और इनकी समस्त टीम को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। Hi, I'm Tamanna Makkar and I'm a creative director and I'd like to congratulate Fashion India TV for inaugurating this channel and it is an awesome channel. I wish them heartiest wishes that they go to long heights. मेरा नाम विशाल गुप्ता है, मैं एक फोटोग्राफर हूँ और मैं फैशन इंडिया टीवी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत जल्दी बहुत ही लोगों के बीच में अपनी जगह बनाएंगे और जो आप मिशन लेके चले हैं आप उस मिशन में कामयाब होंगे। थैंक्स एंड ऑल द बेस्ट। मैं राकेश नरूला हूँ और मैं जेडी इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी द्वारका का डायरेक्टर हूँ। फैशन इंडिया टीवी एक बहुत अच्छा नया कंसेप्ट आप लोगों ने शुरू किया है और इसके लिए मैं आप लोगों को बहुत बधाई देना चाहता हूँ और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि फैशन इंडिया टीवी जो है नए जितने भी बडिंग डिजाइनर्स आ रहे हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा बेहतरीन प्लेटफॉर्म साबित होगा। मेरा मैगडलिन मेरिन है और मैं एक सोशल वर्कर हूँ और मुझे आज बहुत अच्छा लगा है कि फैशन इंडिया टीवी चैनल यहाँ पर शुरू हुआ है। मैं पूरी टीम को अपनी ओर से और अपनी पूरी संस्था की ओर से शुभकामनाएं देती हूँ, ये दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करते रहे और बहुत अच्छा लगेगा कि इसमें इंडियन ड्रेसेस का ज़्यादा हो ताकि सब लोग इसको अच्छे से देख सकें। धन्यवाद। अनुराग रंजन सिंह और आने वाले इस नए चैनल को फैशन इंडिया टीवी को मैं ढेरों शुभकामनाएं देता हूं कि फैशन के इस बदलते दौर में थोड़ी परिभाषाएं बदल गई हैं जिसमें भारतीय संस्कृति कुछ कट सा गया है। उम्मीद करता हूं कि भारतीय संस्कृति की सुंदरता को संजोए रखने का काम जरूर फैशन इंडिया टीवी करेगी। मैं नंद किशोर सहराव, एमएलए विकासपुरी। मैं फैशन इंडिया टीवी की टीम को दिल की गहराइयों से बधाई देना चाहूँगा कि आपने चैनल लॉन्च किया है, आप समाज की सेवा करते रहे, अच्छी खबरों को लोगों के सामने लेके आए, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम जेपी सिन्हा है, मैं इंस्पेक्टर जनरल था बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में और अभी मैं उसके पहले मैं नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में था। वो टेन्योर पूरा करने के बाद, रिटायर करने के बाद मैं द्वारका में सेटल किया। फैशन एक मैं समझता हूँ एक साइकिल है। हमारे जमाने में पहले वो एलिफेंट फ्लेयर्स थे पैंट के, फिर टाइट आए, फिर मैं देख रहा हूँ कि फिर वापस वो आ गए। लेकिन मैंने जो ये देखा है कि हम लोग जो फॉरेन में लोग पहनते हैं वो इंडिया में नहीं लेते। पहले थोड़ा समय लगता था आने में फैशन, अभी क्या है कि जो कम्युनिकेशन सिस्टम इतना फास्ट हो गया है कि तुरंत
फैशन वहां से आ जाता है। मुझे ये चीज उतनी अच्छी नहीं लगती। तो मैं सोचता हूं कि आदान प्रदान तो फैशन हो या आपका कल्चर हो होना चाहिए, लेकिन बिल्कुल ही उनका कॉपी कर देना ये मेरे जहन में नहीं आती और ये मुझे अच्छा भी नहीं लगता। आज के यूथ्स को मैं देखता हूँ, ये लोगों को, कि बस उनके चीज पहन ली वो फैशनेबल हो गए, और हम अपनी जो संस्कृति है, अपना जो पहनावा जो इतना रिच है, हमारे देश में इतना बड़ा देश है, इतने डिस्ट्रिक्ट स्टेट्स हैं, साउथ नॉर्थ ईस्ट, एक तरह का रेनबो का हमारे पास कल्चर और ट्रेडिशन है, बोथ इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज रिलीजन एंड पहनावा। तो मैं तो ये कहता हूँ कि हम अपना पहनावा और ये दूसरों को देना चाहिए, बनस्पति उनका पूरा पहनावा अपने पास कॉपी कर देगा। तो मेरा तो ये मानना है कि इस पर बढ़ावा देना चाहिए। अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि हम मीडिया में भी देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक टीवी बहुत बढ़ गया है, फैशन शो में भी देख सब दिखाते हैं, सिर्फ फॉरेन का फैशन शो। कुछ लोग जरूर हैं ऐसे, ऐसी बात नहीं है, जो हमारी एथनिक फैशन को भी आगे बढ़ावा देते हैं। जैसे हमारे गवर्नमेंट टेक्सटाइल्स डिपार्टमेंट है, ये लोग जैसे सूरजकुंड मेला होता है और दिल्ली हाट है यहाँ पर, या और भी जगह है, तो वैसे तो ये ठीक है, लेकिन अभी इसमें और काम करने की जरूरत है। मुझे पहले तो बड़ा अचंभा हुआ कि एक फैशन टीवी हमारे द्वारका में ही आ रही है, तो बहुत अच्छी बात है। देखिए द्वारका एक हमारे दिल्ली का बहुत ही हैपनिंग प्लेस हो गया है, ये एक सब सिटी है, लाखों लोग यहाँ रहते हैं, एंड वेरी वेल प्लान्ड सिटी। लोग गुड़गांव नोएडा से अब चाहते हैं कि द्वारका चले, तो मुझे बहुत खुशी है कि इस प्रकार का एक टीवी यहाँ लॉन्च हो रहा है, और मैं इस माध्यम से द्वारका वालों को भी कहूँगा कि इसका बढ़ावा दें, इसकी मदद करें, जिससे कि ये टीवी जो लॉन्च हो रहा है वो एक बहुत ही बड़ा एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बने। और मैं शुक्ला जी को शुभकामना देता हूँ कि उन्होंने ये चीज़ शुरू की है और ये आगे बढ़े। धन्यवाद। नमस्कार जी, मैं गुरुसेवक चकार बोल रहा हूँ इंडिया से, और मेरे को बड़ी खुशी हुई कि फैशन इंडिया एक चैनल शुरू हुआ है। मैं उनको अपनी शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बहुत मुबारक उनको कि पहला प्रयास इंडिया में ऐसा किया उन्होंने, इसकी बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि हम लोग फैशन हमारा तो इतनी प्रांतें हैं, इतने सारे फैशन करते हैं अलग अलग प्रांतों का, हर प्रांत का अलग फैशन है, अलग पहरावे हैं, अलग उनका बोली है, अलग हर चीज़ है। तो वो जब पूरा वर्ल्ड का ख्याल जाएगा कि इतना एक मुल्क में इतना सारा है, भांत भांत के फूलों की तरह हैं यहाँ, जैसे राजस्थान ने अभी तक अपना पहरावा छोड़ा नहीं, तो पूरा विश्व उसकी तरफ खींचा तुरा आ रहा है। इसी तरह अगर हमारा कल्चर फिर दोबारा, मैं कल्चर के ऊपर भी काम करता हूँ कि अपना जो भी फैशन है उनके वो बरकरार रहें, मैं उसके ऊपर बहुत सारा काम कर रहा हूँ। तो मेरी इनको शुभकामनाएं हैं फिर दोबारा मैं देता हूँ कि आपने बहुत अच्छा प्रयास किया, बहुत बढ़िया किया कि जो ऐसा आपने चैनल शुरू किया, मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ये दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे और पूरा विश्व में अपना नाम यश कीर्ति अपनी फैलाए। हम आर्टिस्टों की तरफ से मैं यही शुभकामनाएं दे रहा हूँ इनको। मेरा नाम प्रवीण कुमार राजपूत है और मैं एक एडवोकेट हूँ पेशे से,
और मेरी जो है फैशन इंडिया टीवी को दिल से हार्दिक शुभकामनाएं। ये जो चैनल है बहुत अच्छा चैनल है और इसमें मैं चाहता हूँ कि नई नई तरह के फैशन से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं सारी दिखाई जाएं और फैशन वर्ल्ड पूरा इसको कवर करे, और मैं चाहता हूँ कि ये दिन दोगुनी चार चौगुनी तरक्की करे। दिल से मेरी हार्दिक शुभकामनाएं दोबारा से। मेरा नाम अश्विनी त्रिपाठी है, मैं पेशे से एडवोकेट हूँ। फैशन इंडिया टीवी में नया टीवी लॉन्च चैनल लॉन्च हो रहा है और बड़ी खुशी है मुझे कि इंडिया में एक नया चैनल लॉन्च हो रहा है। फैशन की दुनिया में इतने सारे चैनल हैं, उसमें फैशन इंडिया टीवी का चैनल का नाम बहुत ऊपर जाए, और मैं ईश्वर से यही कामना करता हूँ कि फैशन इंडिया टीवी एक बहुत अच्छा चैनल साबित हो, जिसमें कि हर फैशन के का शो दिखाया जाए और हर फैशन की वो चीज़ दिखाई जाए जो हम नहीं देख सकते, और एक यूनिक चैनल साबित हो। आई लव फैशन इंडिया टीवी, आई लव फैशन इंडिया टीवी, और मैं फिर से एक बार कहूँ आई लव फैशन इंडिया टीवी। थैंक यू। मैं मीनाक्षी सिन्हा यहाँ द्वारका में रहती हूँ, सेक्टर 19B में गोल्फ व्यू अपार्टमेंट। और मुझे ये जान के बहुत खुशी हुई कि यहाँ पे फैशन इंडिया टीवी स्टार्ट हो रहा है। द्वारका ऐसे ही दिनों दिन बढ़ता जा रहा है और ये नई चीज़ें शुरू होती है तो मुझे बहुत खुशी होती है। और मुझे बेहद खुशी है कि इंडिया में इतनी चीज़ें हैं करने की। अगर हम किसी भी स्टेट में चले जाए, किसी भी विलेज में चले जाए, वहाँ कुछ ना कुछ है। आप राजस्थान चले जाइए, बंगाल चले जाइए, मद्रास चले जाइए, हर एक जगह कुछ ना कुछ नया टेक्सटाइल, नई चीज़ें हैं। और हमारा जो सबसे अच्छा ड्रेस है साड़ी, उसको भी हम 10 तरह से पहन सकते हैं। आसाम जाइए तो कुछ और तरीके से पहनते हैं, बंगाल जाइए तो कुछ और तरीके से पहनते हैं, और जो नहीं पहनने वाले अगर वो पहनते हैं तो किसी और तरीके से पहनते हैं। तो उसमें इतना कुछ करने को है कि हम चाहे तो उसको बहुत आगे बढ़ा सकते हैं। और आज हम देख ही रहे हैं कि बढ़ रहा है, लेकिन और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। इसी तरीके के और भी बहुत सारे ड्रेसेस हैं। साउथ इंडिया जाए तो वहाँ के ड्रेसेस देख लीजिए, नॉर्थ ईस्ट जाए तो वहाँ के ड्रेसेस, तो इतनी सारे ड्रेसेस हैं तो हमें बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। और जितना कलर मैं समझती हूँ इंडिया के अंदर है, वो तो और शायद ही कहीं देखने को मिलेगा। अब भले ही लोग फॉरेन में भी रेड मजेंडा और डिफरेंट डिफरेंट कलर्स पहनने लगे, ये तो बाहर तो केवल ब्लैक और ग्रे ही पहनते थे, लेकिन इंडिया तो इतना कलरफुल है और इतनी कुछ चीज़ें हैं करने के लिए। और अगर कुछ चैनल्स इसके लिए आगे आ रहे हैं तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। और मैं विश करती हूँ कि ये चैनल बहुत आगे बढ़े और जितनी हमारी लेडीज़ हैं उन सबको ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिले। बहुत लोग जानती हैं लेकिन उसको आगे नहीं लाना चाहती, तो वुमेन एम्पावरमेंट में हम उनको आगे लाए, और वो लेडीज अगर उसे और भी ज़्यादा निकाल सकती हैं। अभी हम देख लें एक मधुबनी पेंटिंग का ही देख लें, किसी को पता था कि एक गाँव में एक ऐसी भी लेडी होगी जो इतना अच्छा पेंटिंग करती होगी। वैसे हर एक जगह हम जाए, हर एक कोने में, तो हमें ऐसे लोग मिलेंगे, और उनको अगर हम इस चैनल के थ्रू आगे लाए तो इससे अच्छी बात और कुछ नहीं हो सकती है। तो मैं जरूर विश करना चाहूँगी, और आई रियली विश देम दैट ये लोग काफ़ी आगे बढ़ें और बहुत सारे टैलेंट्स को आगे बढ़ाएं। थैंक यू सो मच। मैं राकेश शर्मा, प्रॉपर्टी डीलर। मुझे अपार खुशी हुई है फैशन इंडिया टीवी जो लॉन्च किया गया है। मैं फैशन इंडिया टीम को पूरी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। ये फैशन इंडिया टीवी जो फैशन के बारे में नई नई जानकारियां आप लोगों को उपलब्ध कराएगा, फैशन इंडिया की पूरी टीम को मेरी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हरिशंकर शर्मा, मुझे बड़ा अपार खुशी हुई है। एक सोशल वर्कर होने के नाते मैं पूरी जनता को ये बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ जो इंडिया में
बहुत ही अच्छा एक फैशन इंडिया टीवी लॉन्च किया जा रहा है, जो यहाँ पर बहुत सारी लोगों को अच्छी अच्छी जानकारियाँ देगा। जो ये टीम फैशन इंडिया टीम है, बहुत ही अच्छा बेहतर टीवी लॉन्च करने जा रही है और कर भी दिया है। मुझे बड़ा ही अपार खुशी हो रहा है कि आप सभी लोग इसको पूरे देश में एक अच्छे तरीके से देखेंगे। इसमें बहुत सारी जानकारियाँ आपको प्राप्त होगी और मैं सारे लोगों से गुजारिश करूँगा इसे बड़े ही चाव से देखें, बड़े ही लगन से देखें। जो भारत में पहली बार मुझे लग रहा है कि ये टीवी लॉन्च किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब सब लोगों के सामने फैशन इंडिया भी लॉन्च हुआ है और बहुत सौभाग्य है मेरा कि मैं इस खुशी में शामिल हुआ हूँ। और मेरे गाने आप सुन रहे हैं, लास्ट ईयर गो गोविंदा जो गाना था, मेरा पहला गाना था फिल्म ओ माय गॉड का। मटके झटके मारे हैं तू आज शोला तो हम भी फुआरे हैं, तू आसमां पे है तो चांद तारे हैं हम। हटके मटके झटके मारे हैं तू आज शोला तो हम भी फुआरे हैं, तू आसमां पे है तो चांद तारे हैं हम। चाहे दम निकले ये दम है कसम तेरी कसम, तुझे आज छोड़ेंगे ना हम। उसके बाद लगातार 6 सुपर हिट गाने गो गोविंदा सन ऑफ सदा टाइटल ट्रैक पॉम पॉम। खिलाड़ी भैया आप इंतजार में हम बेजुबाब रब बन गए भैया। खिलाड़ी भैया खिलाड़ी भैया खिलाड़ी कबार लेटेस्ट स्पेशल 26 का गोरे मुखड़े पे जुल्फादी चावा अक्षय भाजी पे जो फिल्म आया गया है।
तो आप सब लोगों का प्यार है, आशीर्वाद इसी तरीके से मुझे आप नवाज करेंगे। इसी तरीके दिन दुनिया चौबीस रखी जाती है।